बच्चों अब मैं आप लोगों को ओ के बाद औ लिखना सिखाऊंगी। देखिए जैसे ओ को लिखे हैं बिल्कुल उसी तरह औ को भी लिखना है। उसी तरह पहला स्टेप छोटा कीजिए, दूसरा स्टेप बड़ा कीजिए, तीसरा स्टेप साइड से और चौथा बगल से सीधा लकीर या पाया बोलिए। दूसरा स्टेप भी उसी तरह पहला छोटा दूसरा बड़ा तीसरा साइड से चौथा बगल से और बगल में मात्रा होगा सीधा डंडा। तीसरा स्टेप भी उसी तरह लिखिए छोटा बड़ा साइड से फिर बगल से एक मात्रा लगाइए और ऊपर में एक ही मात्रा लगाइए। बगल में जो पाया डाले हैं इसे सटा हुआ होना चाहिए। चौथा स्टेप भी पहला छोटा दूसरा बड़ा तीसरा साइड से फिर बगल से उसके बगल में एक सीधा लकीर या मात्रा बोलिए या पाया बोलिए, इसके ऊपर में एक एक की मात्रा दीजिए। दो ठो एक की मात्रा लगाएंगे इसको बोलेंगे ओ। ओ के बाद में इसके ऊपर में इसके ठीक ऊपर में सीधा लकीर खींचेंगे। तो ये हुआ बच्चों औ। औ के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी अंग। अंग भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है, पहले छोटा दूसरा उ की तरह लिखना है, पहला छोटा दूसरा बड़ा इस तरह छोटी उ लिखते हैं उसी तरह लिखिए। तीसरा भी बिल्कुल उसी तरह बनाइए, इसमें बगल से एक लकीर दीजिए। चौथा लिखेंगे और उसी तरह बगल साइड से एक लकीर, बगल से एक डंडा खींचिए। पांचवा भी बिल्कुल उसी तरह लिखिए, पहला छोटा दूसरा बड़ा साइड से लकीर फिर बगल से एक लकीर होगा और ऊपर में अनुस्वर होगा इस तरह बिंदु और ऊपर बिल्कुल ढका हुआ होगा। ये हुआ बच्चों अंग। अंग के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी अह लिखने के लिए। अह लिखने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह पहला छोटा कीजिए, दूसरा भी छोटी ऊ की तरह लिखिए, पहला स्टेप छोटा दूसरा बड़ा इस तरह ऊ की तरह ही लिखिए। तीसरा स्टेप भी बिल्कुल उसी तरह छोटी ऊ की तरह लिखना है और बगल में साइड से एक लकीर खींचना है। चौथा वाला में भी बिल्कुल उसी तरह पहला छोटा दूसरा बड़ा साइड से एक छोटा लकीर खींचिए, बगल से डंडा लगाइए। पांचवा में भी बिल्कुल उसी तरह पहला छोटा दूसरा बड़ा साइड से एक लकीर होगा, बगल से एक सीधा डंडा लगाइए और इसके बगल में दो ठो ये बिंदु लगाएंगे इसको बोलते हैं विसर्ग और ऊपर ढका हुआ होगा। तो बच्चों इस तरह से स्वर वर्ण को मैं आज आप लोगों को री से अह तक लिखने और पढ़ने सिखाई हूं। इसको आप लोग घर में लिखने का अभ्यास कीजिएगा और मैं अभी स्वर वर्ण को पूरा अ से अंग तक लिखूंगी और एक बार पढ़ने के लिए सिखाऊंगी।